मुख्यमंत्री का आदेश बेअसर, प्रशासन सोया कुंभकर्णी नींद, रियलिटी चेक में साबित हुई सच्चाई, कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों का हुजूम इस समय प्रदेश की सड़कों पर देखा जा सकता है। कोई ट्रकों से, कोई ऑटो से, कोई मोटरसाइकिल या साइकिल से अपने निजी खर्च से यात्रा करता दिखाई देता है, और कई मजदूर ऐसे भी दिखाई देंगे जो जत्थों में पैदल ही यात्रा करने को विवश हैं। इन्हें खाने पीने के लिए रास्ते में कितनी दिक्कतें होती हैं, साथ ही दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों की इन्हीं परेशानी को ध्यान में रखकर यह आदेश दिया कि कोई भी प्रवासी मजदूर अपने निजी खर्च पर या पैदल यात्रा करता सड़कों पर दिखाई ना दे, और यदि दिखाई दे तो जिला प्रशासन उन्हें कोई वाहन उपलब्ध कराकर गंतव्य तक भेजने का काम करे। मुख्यमंत्री के आदेश का कितना असर है, यह बात जानने के लिए बाराबंकी की सड़कों पर निकले तो सच्चाई सामने आ गई। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से आ रहा हूँ। गुड़गांव से जा, कहाँ जा, कहाँ तक जाना है? जाना है। अपनी गाड़ी लेके आया हूँ। कोई रास्ते में किसी चीज़ की मदद मिली तुमको? गवर्नमेंट ने किसी चीज़ की मदद दिया सरकारी? खाना किसने दिया? प्राइवेट आदमी की सरकारी? मेरा नाम नितेश मिश्रा है, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। तो जैसा कि अभी बब्बी भैया ने आपको बताया कि हम लोगों की एक मंशा ये हुई कि रात में लोगों की नींद लगती है, औंघाई जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, औंघाई आती है, तो उसको दूर करने के लिए चाय से अच्छा कोई विकल्प नहीं होता है। तो हालांकि हम लोग तो निरंतर प्रशासन और इनमें चाय बाँट रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सोचा, स्पेशली जो लोग पैदल चल रहे हैं या जो ऐसे लोग जो ठिलिया आदि से चल रहे हैं, बहुत मेहनत करके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने विचार किया कि उन तक चाय जरूर पहुंचाई जाए, जिससे वो सुसुप्त अवस्था में ना आए और जागृत रहें। तो इससे संभवतः एक प्रयास ये रहेगा कि वो लोग जागते रहेंगे तो शायद कोई दुर्घटना ना हो। लखनऊ से बाराबंकी के लिए 27 किलोमीटर दूरी पर है जी। मुख्यमंत्री की आवाज़ सबसे पहले बाराबंकी पहुंचती है, कोई भी जिला होता है, लेकिन क्या लग रहा है कि जिले की आवाज़, मुख्यमंत्री की आवाज़ क्या जिले तक नहीं पहुंची है? अब संभवतः इस बारे में कहा जाए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि आवाज़ पहुँची है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आवाज़ थोड़ी देर से पहुँची है। ये आवाज़ थोड़ी पहले पहुँच जानी चाहिए थी, तो इससे कई चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता था। कई चीज़ों पर जो आज हमारे जनपद बाराबंकी में कोरोना की संख्या 28 हो गई है, संभवतः इस पर भी अंकुश लगाया जा सकता था, लेकिन अब जैसा ऊपर वाला चाह रहा है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। बस थोड़ा सा अब हम लोग में डर लगता है, लेकिन अब कहते हैं मानव सेवा करते रहिए, ऊपर वाला आपको देखता रहेगा, उसी धर्म का पालन करते हुए हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं कि हमारी बात प्रशासन, हमारे जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करें, बाराबंकी प्रशासन बिल्कुल इसका पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। रोडों पर गाड़ियां चल रही हैं, जिस तरह से रोड पर गाड़ियां चल रही हैं, एक सोचने की बात है कि लोग उसको पहुंचा नहीं रहे, सरकारी साधन से पहुंचा नहीं रहे। देखिए, जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात कहूँगा तो प्रयास ऐसा किसी अधिकारी का नहीं रहता है कि उनके ज़िले में कोई नुकसान हो, वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब जनता है तो वो प्रशासन या इन सब की बात जैसे मीडिया में आती ही आती, तो इस वक्त जो मजदूर चल रहा है वो ना पेपर पढ़ रहा है ना मीडिया को देख रहा है, उसको सिर्फ एक धुन सवार है कि कैसे कैसे मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो इसी के क्रम में अब वो लोग ये बात नहीं मान रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ट्रक पे लद के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको एकमात्र धुन सवार है कि कैसे हमें घर पहुँचें। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि संपूर्ण रूप से प्रशासन को हम दोषारोपण नहीं दे सकते। हाँ, कहीं कुछ अगर चूक हो जाती हैं कुछ जगहों पर, तो उसके लिए आप सभी लोग यहीं हैं, आप लोग आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप रोड पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा है, तो किस तरह से आप मदद कर रहे हैं, किस तरह से आपको संतोष मिलता है, किस तरह से आपको, क्योंकि दिन भर भी आपको देखते हैं फिर रात में भी देखते हैं, किस तरह से आप इनकी मदद करते हैं? देखिए, दिन में तो जैसे लॉकडाउन चालू हुआ है उससे दूसरे दिन से हम लोग खाना बाँट रहे हैं, राशन बाँट रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो परसों एक्सीडेंट हुए हैं 2-3, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में आया कि जो है मन में आया कि कल हमने टीवी देखा कि लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, हम लोग इतना भावुक हो गए कि आंख से आंसू आ रहे थे। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे मतलब कंटेनर में जा रहे हैं और
उनकी माँ गोदी में लेके उसको परमानेंट जो है वो मुँह में पानी का बोतल लगाए हुए हैं। ये देख के इतना दुख होता है कि हम लोग कभी सोच ही सकते थे कि ये पोजीशन एक इंसान के साथ आएगी, एक छोटे बच्चे के साथ आएगी। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हालत है और इसमें कहीं ना कहीं चूक हर आदमी की है। और आज जो है अभी हम लोग रात में शाम को जब लौटे हैं तो हम लोग ने ये सोचा, पूरी टीम हमारी, सलमान हैं, नितेश हैं, मोहित हैं, राजा हैं, हम लोग पूरी टीम सोचा कि जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम लोग भी कहीं बाहर लौटते हैं तो रास्ते में ढूंढते हैं कि ढाबे में चाय मिल जाए, लेकिन ढाबे से बंद रहे। तो ये विचार बना कि नहीं, रात में चाय बनाई जाए। और हम लोग निकले 1:30 बजे निकले। पहले मोहम्मद चौकी गए, वहाँ पर कुछ लोग रिक्शे से और ठिलिया से और उससे मेटाडोर से या डाला था उससे जा रहे थे पीछे पे। हम एक एक डाले में समझिए जिसकी कैपेसिटी, जिसमें मुश्किल से आदमी बैठ भी सकता है, सामान ढोया जाता है उसमें, 25-25-30 आदमी भरे थे बिल्कुल जैसे भूसा भरा जाता है। और उसी में साथ में छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे को देख के तरस आ रहा है, वो हम एक तक मुझे देख रहा था। बताइए वो कब, वो सीन मुझे भूलेगा कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, छोटे छोटे बच्चे। जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा था, मुख्यमंत्री हमारे ने कहा था कि जो जहां होगा वहीं रुके और मैं उसकी उसके स्थान तक पहुंचाऊंगा, उसके घर तक मैं पहुंचाऊंगा, आपको लगता है कि इस तरह से जिला प्रशासन बाराबंकी मुख्यमंत्री की बात मान रहा है? देखिए कहीं ना कहीं चूक है जरूर, अगर चूक ना होती तो ऐसा ना हो रहा था। ये इतने लोग जो है आज सामने की ताला जा रहा है, बेचारे ऊपर सो रहे हैं, रात में अगर झटका लग जाए तो ये बचेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा, मतलब ये दुर्घटना का इंतजार हो रहा है कि कितनी बड़ी दुर्घटना कब हो जाए ये देखने की बात है। बस प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। अब ये तो उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, देखना चाहिए आप लोग, जाइए उनको तो।